यार आपको तो आ रहा है, आप उनसे टीम समझ लो और उनकी बात को सामने रख दो। ब्रह्म को क्लास ट्रांसफर हो या नहीं आप बोले? ब्रह्मा माना शरीरधारी का नाम है कि आत्मा का नाम है? आत्मा ट्रांसफर कर। आत्मा की बात नहीं हो रही है, ब्रह्मा की बात हो रही है। अभी भी पढ़ सकते हैं आत्मा, कृष्ण की सोल अभी पढ़ रही है, अभी कृष्ण की सोल कहेंगे, कृष्ण की आत्मा पढ़ाई पढ़ रही है, ये नहीं कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा पढ़ रहा है। तिरुपति के बारे में तेरोपति तेरेपति तेरेपति तेरोपति कलयुग का अंत में सामर्थी बनकर दो स्त्री पत्नी बनकर, तो ये इसलिए तिरुपति का नाम आ गए। मेरा कोई विशेषता और विशेषता है तिरुपति बाबा कुछ नहीं, वो विशेषता तो ढेर सारी है, विशेषता है तो तिरुपति वेंकटेश भी तो नाम है या जितने भी शासन करने वाले हैं उन शासन करने वालों के बीच में विकट शासन करने वाला, भयंकर शासन करने वाला, साधारण शासक नहीं है, विकट शासन करने वाला, ऐसा शासन और कोई नहीं कर पाता। हिटलर हुए, नेपोलियन हुए, कोई ऐसा शासन नहीं कर सके जैसा वो करता है। सारी दुनिया से सारी पापात्माओं का पत्ता साफ कर देता है। और जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, साधु संत स्वभाव की हैं, उनका संगठन स्थापन कर देते हैं। तो नई दुनिया बन जाती है। तो विशिष्ट शासन करता है ना, है ना, उसके बारे में अब अभी तो है ना, बालाजी या बालाजी नाम के होता है, वो अभी भी अभी तो वही बालाजी जिसका नाम है बालाजी से लेते हैं, छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा नहीं शासन करता है, उसके साथ वेंकटेश नाम भी जुड़ा हुआ है, माने बच्चा और बाप दोनों हैं, व्यक्तित्व एक ही है, पर्सनालिटी एक ही है, उसमें राम की सोल राम बाप की भी है जो शासन करता है, और कृष्ण बच्चा भी है, बाल है, बेबी है, तीन बार ऐसा लगता है 90 घंटे तीन बार बात नहीं करो, आपस में बातचीत करो तो कैसे है? दो तीन पहले
नंबर में आया है ये उधर आने का भक्त को 90 घंटे लगता है दर्शन होने का। हाँ जी, तो अभी कल आया 50 घंटा लगता है दर्शन होने का। कलयुग वैकुंठ चलता है, तो अब बाबा आया है तो संगम युग में पुरुषोत्तम संगम युग में ये वैकुंठ बनने पर बाबा आया तो कब तक चलता है ये कलयुग वैकुंठ वेंकटेश्वर? जब तक सच्चा प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक जड़ चित्रों की प्रत्यक्षता होती रहती है। जब सच्चा चैतन्य रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो ये बड़े बड़े मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे। जब ये मंदिर ही जब चलने लग पड़ेंगे तो वहाँ भीड़ कहाँ से लगेगी? भीड़ सच्चे के पीछे लगेगी या झूठे के पीछे लगेगी? उनमें तो बोला हुआ है आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन दिन और रात खत्म ही नहीं होगी, लगी ही रहेगी। क्यों लग जाएगी? ये तो कम है, ये कुछ भी नहीं है। बालाजी में जो लाइन लगती है वो तो सच्ची प्रत्यक्षता होने के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये तो जड़ चित्रों की भीड़ भाड़ है। चैतन्य चित्त संसार में जब प्रत्यक्ष होगा तो बहुत लंबी क्यू लग जाएगी। मूर्ति की एकादशी? मूर्ति नहीं, कोटि देवता होंगे, कोटि कोटि देवता होंगे। एकादशी वो तो करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, माना जो स्थूल भोग है वो भोगना छोड़ देते हैं। बेहद की बात, यहाँ विकारों को छोड़ना यही हमारी एकादशी। ये इस तरह की एकादशी सच्ची सच्ची जब मनाते हैं प्रैक्टिकल जीवन में तो वैकुंठ स्थापन हो जाता है, इसलिए उसका नाम रख दिया वैकुंठ ही। मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, खेल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। हाँ जी, वही बच्चे थे जो अभी लास्ट में आकर के जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, वही मम्मा बाबा को पढ़ाते थे, ब्रह्मा सरस्वती को पढ़ाते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। मम्मा बाबा समझते थे तो बहुत अच्छा नंबर माला में आ गई, वो भी गुरु हो गए। दो माता है, एक माता है। ब्रह्मा बाबा के संघ कराची में जाने के बाद संगठन बाद में बना है। मुरली में तो बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम बच्चों ने जन्म भी लिया ना, तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तुम्हारे उन्होंने तो पहले ही घर छोड़ दिया था, जन्म भी हो चुका था। वो तो एक टेम्पल था, वो स्वर्ग थोड़ा ही था, वो टेम्पल तो अजमेर की यादगार है। किसकी यादगार? वो जो टेम्पल कराची में बना वो किसकी यादगार? वो अजमेरी, अजमेर में जो स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ भक्ति मार्ग में उसकी यादगार है। आज अमेर
आज माने बकरी बकरा और मेरे माने मेरा भेड़ बकरियों का जो देश अजमेर है जहाँ मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला लगता है वहां की यादगार है क्या 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 यादगार जो कराची में टेम्पल स्थापन हुआ वहां भी ब्रह्मा की मूर्ति है अजमेर में और यहाँ भी इसकी मूर्ति रखी गई अभी भी ट्रांसलाइट की मूर्ति रखी हुई है किसकी रखी है ब्रह्मा की दादा लेखराज की मूर्ति रखी हुई है तो वो भक्ति मार्ग का टेम्पल है और ये अधूरे ज्ञान मार्ग का टेम्पल है असली टेम्पल टेम्पल नहीं असली स्वर्ग तो अभी संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला है तुम्हारा है ऊंच से ऊंच वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग और मनुष्यों द्वारा तो 7 वंडर बनाए गए वो तो लोग देखने जाते हैं लेकिन तुम्हारे द्वारा जो वर्ल्ड जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनता है वो तो बहुत ऊंचा है सूर्यवंशी बच्चे ही अष्टदेव बने देव जो बनेंगे वो देवता सूर्यवंशी होते हैं या चंद्रवंशी इस्लामवंशी होते हैं जो पक्के सूर्यवंशी होंगे वो ही देव होंगे सूर्यवंशी नहीं होंगे तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे अष्टरतन वो है जो अपने अपने ग्रुप के जो 12 के माने के ग्रुप है उन ग्रुप्स के मुखिया है जैसे सूर्यवंश है तो सूर्यवंश में अष्ट नवरत्नों में से कोई हीरा भी है कि नहीं है तो सूर्यवंश भी 12 में एक हीरा है वो भी रत्न भी है अष्टदेव भी है इसलिए अष्टदेवों के चित्र में ईश्वर का चित्र दिखाते हैं ईशान कोण क्या दिखाते हैं ईशान कोण में ईश्वर ईश्वर के चित्र में दिखा दिया शंकर का चित्र हम 83 है तो 13 होना चाहिए बाबा अरे इनकी बात पूरी हो जाने दो तो 83 में कोई निकला होगा जो 13 होने वाला होगा या हो गया होगा ये कल 83 तक 83 तक कोई भी तैयार नहीं बना ढेर सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी ने सरेंडर हुए वो 13 नहीं बने हैं नहीं बने ये सरेंडर फालतू हुए माउंट आबू में जाकर हैं सरेंडर हो गए लेकिन 13 माने किसका बाबा का नहीं बना माने बाबा वहां है ही नहीं जो बाबा का बने जातियों के दाताओं के ऊपर सरेंडर हो गए यहाँ तो किसके ऊपर सरेंडर होने की बात है 13 माने किसका बनना है बाप का बनना है तो बाप का जहाँ पार्ट है उसके लिए इशारा किया गया कि 83 में 13 होना चाहिए ना तो जरूर कोई 13 बना होगा 83 में पहला जो 13 पहले बनता है भाई लोग जल्दी सरेंडर होते हैं कन्याएं जल्दी सरेंडर होती है या माताएं जल्दी सरेंडर होती है बताओ सरेंडर होना 13 बनना ये पहले माताएं ज्यादा करती है
पहले करती है या भाई लोग पहले करते हैं या कन्याएं जन पहले करती है, कौन पहले करता है, किसके लिए पहले है? कन्याओं के लिए बोला गया कि कन्याएं जो है वो शरण जल्दी हो जाती, क्योंकि उनको कोई बंधन तो होता नहीं, माताओं को तो घर परिवार संभालने का बंधन होता है। तो कन्याओं में कोई कन्या है जिसके लिए बोला गया तेरासी में तेरा होना चाहिए, वो कोई कन्या शरण हो गई। तो पहली कन्या जो बाप की बनी वो पहली बननी हो गई, यज्ञ की आज में भी वो पहली बननी थी और अंत में भी दूसरा जन्म लेकर आती है तो वो भी बननी बनती है। तो उसका नाम पड़ गया जगत अम्बा, उसे देख देख करके फिर और दूसरे शरण लग। अरे बिन तेरे हम तेरे ये सारे एक साथ बन जाएंगे तो कोई पहले बनेगा, कोई तो पहले बना होगा। तो जो पहले कदम बढ़ाता है वो अर्जुन कहा जाता है, वो पुरुषार्थ का अर्जुन करता है, अर्जुन करता है ज्यादा पुरुषार्थी कहा जाता है। हाँ कोई की बुद्धि में हनुमान भगवान बसा हुआ है, कोई की बुद्धि में गणेश भगवान बसा हुआ है, कोई की बुद्धि में दत्तात्रेय भगवान बसा हुआ है, कोई की बुद्धि में विष्णु भगवान बसा हुआ है। दत्ता माने दिया हुआ, दत्ता माने दिया हुआ, अब त्रेय माने तीन के द्वारा, त्रेय तीन के द्वारा दिया हुआ माना यज्ञ की जब शुरुआत हुई तो शिव बाबा का कहना है मैं अकेला नहीं आता हूँ, तीन मूर्तियों के द्वारा साथ आता हूँ। तो तीन मूर्तियां जिस समय आई उन तीन मूर्तियों के द्वारा जो दिया हुआ है यज्ञ में वो कौन है? पहले इसका आप समझ लो, यज्ञ के आज में जो तीन मूर्तियां निकली उन तीन मूर्तियों के द्वारा जो दिया गया, दिया गया माने पैदा हुआ, कौन हुआ पैदा? ब्रह्मा भगवान, वही दत्तात्रेय होगी। यहाँ दत्तात्रेय होते हैं दिखाते हैं तो दत्तात्रेय के आस पास कुत्ते भी दिखाते हैं क्या? ये पुस्तकालय में जो भी धर्म है विचार फैलाने वाले, विचार फैलाने वाले पुस्तकालय के धर्म है कि नहीं? इस्लामी बौद्धिक किसके हैं? ये पुस्तकालय के धर्म है कि नहीं है? तो जो पुस्तकना फैलाने वाले धर्म है वो ही कुत्ते के रूप में चारों तरफ दिखाई दे, ब्रह्मा बाबा के चारों तरफ कौन रह गए है? अरे अरे सूर्य जी आत्मा तो चली गई राम बाप के साथ, फिर कौन सी आत्मा रह गई? इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन यही रह गए ना सारे पुस्तकना फैलाने वाले, वो अभी भी यज्ञ में मौजूद है। सूर्य जी सारे इधर इकट्ठे हो गए हैं पार्टी, इसलिए दत्तात्रेय को ये भी दिखाते हैं कि वो गुण ग्रहण करते थे, अब गुण ग्रहण नहीं करते थे। माना कुत्तों को भी उन्होंने क्या देखे, कुत्तों के अवगुण देखे या गुण देखे? कुत्तों के भी गुण देखे। जैसे क्रिश्चियन लोग कुत्ते बहुत पालते हैं, जानते हैं कुत्ता बहुत वफादार होता है। पांडव जब स्वर्ग में गए तो कौन साथ में गया? वहां भी कुत्ता साथ में गया, तो कुत्ते की वफादारी को उन्होंने देखा। कुत्ता जितना वफादार होता है उतना और कोई प्राणी वफादार नहीं होता है। है?
का रूप स्त्री का दिखाते हैं, विष्णु का रूप है। आगे चार भुजा माने क्या है? चार भुजा का मतलब है राम कृष्ण और उनकी सहयोगी आत्माएं, चार आत्माएं हो गई। उसमें पुरुष रूप जब आगे बढ़कर के कार्य करता है तो विष्णु के रूप में भक्ति मार्ग में दिखाया गया उसकी यादगार, और जब स्त्रियां आगे बढ़कर के काम करती है इसलिए सेवा करती है तो महालक्ष्मी के रूप में दिखाई गई, वैष्णवी देवी के रूप में दिखाई गई। ज्यादा मेला वैष्णवी देवी का लगता है, विष्णु का मेला नहीं लगता है। किसका लगता है? वैष्णवी देवी का। तो देवियों की पूजा द्वापर में दिखाते हैं या कलयुग में दिखाते हैं? जब दुनिया की आबादी बहुत बढ़ जाती है, दुनिया तामसी बन जाती है, तो फिर स्त्री चोला जो है उसको असुर ज्यादा याद करते हैं भगवान के रूप में। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो मधुर स्वभाव वाला ब्रह्मा था उसको फॉलो किया दुनिया ने, दुनिया भी ब्राह्मणों ने पिता पिता को फॉलो नहीं किया। ऐसे ही तामसी युग शुरू होता है तो देवियों की पूजा होती है सिंगल देवियों की। द्वापर युग के शुरुआत में लक्ष्मी नारायण जैसे युगल देवताओं की पूजा होती थी, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा तमोप्रधानता नहीं थी। तो स्त्री का चोला जब आगे बढ़ता है तो वो स्त्री के रूप में पूजा जाता है, वैष्णव देवी के रूप में। और जब पुरुष चोला आगे बढ़ के कार्य करते हैं तो विष्णु के रूप में पूजा जाता है। हैं दोनों एक ही, विष्णु चतुर्भुज है ना, उसमें कभी स्त्री चोले आगे दिखा दिए, कभी पुरुष चोले आगे दिखा दिए। अभी किसका कार्य होने वाला है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में किसका कार्य होने वाला है? तो ब्रह्मा बाबा में तो किसका कार्य शुरू हुआ है? ब्रह्मा बाबा गए तो बेसिक नॉलेज में किनका कार्य शुरू हुआ? अरे कन्या माताओं को शुरू हुआ ना, दीदी दादियों का राज्य आया ना। ऐसे यहाँ भी शंकर का कार्यकाल जो है वो भी 30-35 साल का है, वो कार्यकाल पूरा होता है तो यहाँ भी शिव की शक्तियां मैदान में आती है, देवियों की पूजा होती है। और इतनी पूजा होती है, इतना ज्यादा विस्तार होता है कि जितना दीदी दादी दादाओं का कुछ भी नहीं हुआ उसके मुकाबले। कभी पुरुष रूप आगे, कभी स्त्री रूप आगे। और नंबर लेने वाले साड़ी का लग आत्मा है बाबा। हाँ जी, साड़ी शरीर छोड़कर एडवांस में आ गई, शरीर छोड़ करके एडवांस वालों में प्रवेश करती है और पढ़ाई पढ़ती है। जैसे ब्रह्मा की सोल अभी पढ़ाई पढ़ रही है, ऐसे ही वो शरीर छोड़ती है। बेसिक नॉलेज पर उनकी सत्ता रहती है शरीर छोड़ते समय, एडवांस नॉलेज के ऊपर सत्ता नहीं होती है, तो अंत मते सो ब्रह्मा की गति हो जाती है। उनको भी ब्रह्मा की तरह सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है और ब्रह्मा की तरह प्रवेश करती है, वो भी पार्ट बन जाते हैं, चाहे वो जगदीश भाई हो, चाहे मनमोहनी दीदी हो, चाहे चंद्रमणि दादी हो, कोई भी हो। उसमें प्रवेश करते हैं और दूसरों को जिसमें यहाँ है बुद्ध रूपी पेट,
संगम युग में, और वहाँ होगा स्थूल पेट सतयुग, वहाँ स्थूल पेट से जन्म लेंगे और यहाँ बुद्ध रूपी वेद का जो पेट है उसमें जन्म लेते हैं। यहाँ भी संगम युग के संगम युग ज्यादा है और सतयुग में भी राधा कृष्ण जन्म लेंगे। और वहाँ भी ब्रह्मा 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 यहाँ भी ब्रह्मा 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 आ जाएगी धीरे से धर बनूंगा धीरे से धर आएगा आएगा राज्य आएगा। अभी अभी तो बताया सिख लोग कहते हैं राज करेगा खालसा, क्या तो माताओं का राज भी आ गया, ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में भी आने वाला है, आएगा। अगर आएगा नहीं तो अंत में भगवान कैसे प्रत्यक्ष होगा? भगवान को अंत में प्रत्यक्ष होना है कि पहले प्रत्यक्ष होना है? पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा कि पहले खुद प्रत्यक्ष होगा? है पहले बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो जो भी माताएं हैं वो एडवांस में भी बेसिक की तरह निमित्त बनेंगी, यज्ञ चलाएंगी, भीड़ लगेगी, पूजा होगी और अंत में फिर टूबीजा होगी और भगवान प्रत्यक्ष होगा, तब बुद्धि में आएगा। एक शिव बाबा दूसरा, अभी तो दूसरा आता है, अभी तो दूसरा आता है ना। काला तुलसी माने वैष्णवी देवी, काली तुलसी माने यमुना, काली काली हो गई, काली मैडम काले कर्म करती है तो काली हो गई। तुलसी जो जंगल में रहती है, घर गृहस्थ में नहीं रहती, घर गृहस्थ में पनपती नहीं है, कांटों के जंगल में रहती है, तो काली तुलसी। और एक तुलसी है घर गृहस्थ में पलती है, उसका पौधा घर में ही पलेगा, जंगल में ले जाके डाल दो तो पनपेगा नहीं, और काली तुलसी को घर में लाके लगा दो तो पनपेगा नहीं। तो ये दो यादगार बनी हुई है, एक काली तुलसी और एक गोली तुलसी। गोली तुलसी माने घर गृहस्थ में ही रहती है, जंगल में जाके नहीं रह सकती। ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया की प्रैक्टिकल पार्ट की यादगार है। और नारायण शिव बाबा में नारायण देख रहे। अच्छा मेरा शिव बाबा चला जाएगा, नारायण रह जाएगा। विनाश के टाइम में आग लगकर पूरी होगी, फिर शिव बाबा यहाँ क्या करेगा? शिव बाबा का काम है स्थापना करना,
स्थापना और विनाश का काम संपन्न करना। जब स्थापना पूरी हो जाएगी और विनाश पूरा हो जाएगा तो शिव बाबा का यहाँ क्या काम है? शिव बाबा थोड़ी रहेगा है? बाबा कैसे खत्म? खत्म चलो इस क्लास पहले मैंने कब अवतार संगम का पूरा होने से पहले बिना बाबा अनेक धर्म पिता तो आते हैं धर्म और धारणा स्थापन करते हैं अपनी 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 लेकिन राजधानी स्थापन भी करते हैं इसका नतीजा क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, ये बताते हैं ये करना है ये नहीं करना है ऐसा करना है, लेकिन राजा नहीं बनाते हैं, राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। जब 300-400 वर्ष में उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, लाखों की तादाद में हो जाती है, तब बाप आकर के राजधानी उनकी स्थापन करते हैं। यहाँ निराकार शिव बाप आकर के सारे विश्व की राजधानी स्थापन करते हैं और वहाँ प्रजापिता वाली आत्मा उनकी राजा ही स्थापन करने के निमित्त बनती है। तो प्रजापिता तो सब धर्मों का बाप है ना, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो पिता किस अर्थ में कहा जाता है? पिता है तो वर्षा देगा तो बाप है, पिता है बीज बोता है तो बाप है। बाबा है वो बिस्तार बद्री भाई है, कहते हैं पैसे साल के ज्ञान में चलते हैं, उनको सब ज्ञान समझाते हैं तो कहते हैं कि सब तो यही ज्ञान है तो हम जानते हैं, ये तो जानते हैं। तो हम बोले कि बताइए ब्रह्मा लेखनाथ दादा की सरकार हुआ वो कम्प्लेन कौन किया कि ब्रह्मा बनने वाले हो विष्णु बनने वाले हो शंकर बनने भी हो कहते पोषधारी ब्रह्मा वैष्णो और नरक के बिना सीन देखे तो उनको सरकार के कौन कम्प्लेन करे? उनके साक्षात्कारों का किसने अर्थ बताया? किसने बताया तो कहते लोग मुरली के नोचते हैं तुम लोग, मुरली के तुम लोग नोचते हैं। तो क्या नोचे? मुरली को पूछेगा तो मुरली के नोच रहा है। मुरली मुरली को नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे? नोचते हैं लोग, नोचते हैं नोचते क्या नोचते ना है नोचते हैं मुरली के नोच करके छोड़ दिए तो क्या करे? मुरली से प्यार तो मुरली घर से प्यार होगा ना, तुम किसको नोचते हो? आ जाइएगा तो कहेंगे समझाओ कोई विशेष बात समझाओ, मुरली के पास बताते हैं तो विशेष बात कहाँ से अलग से बताए हमको। इन्होंने अभ्यक्त वाणी के बोल बोल पॉइंट दो जिनमें बाबा ने नए पाठ के लिए बोला हुआ है तो सुनते नहीं ना, वो अपने मतलब की बात सुनेंगे सब कुछ कर तब भाई जाके समझ जाते तभी मिल जाते ना। जी बाबा एक जगह बोला गया है कि जब तक निराकार को साथी नहीं बनाओगे तब तक निराकारी और निराकार को साथी बनाओगे उसका संबंध साथी का होता है, वो तो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का, बिंदु बिंदु आत्माओं का वो सिर्फ बाप है कि दूसरे संबंध भी बनते हैं। हाँ तो निराकार माने निराकारी स्टेज वाला, तो निराकारी स्टेज वाले को जैसे हम साथी बनाएंगे जैसे वो साथ साथ है तो सिर्फ मन बुद्धि से तो संकरण लगेगा। जो निराकारी स्टेज वाला है उसको साथी बनाएंगे तो उसका संकरण हमको भी लगेगा, जैसे को याद करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। वो तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादा लेखराज को याद करते हैं तो उनको संकरण लगता है कि नहीं? तो रजत क्या निकलता है?
जैसे दादा लेखराज ने अकाली मौत में शरीर छोड़ दिया, तो उन दीदी दादी दादाओं का भी अकाली मौत में शरीर छूटता जाता। तो ये नियम है, जैसे कोई याद करेंगे, जैसा साथ बना देंगे, वैसा ही रिजल्ट आ गया। बोले कि एक ही आत्मा है जिसमें श्री बाबा प्रवेश करते हैं, वो अभी उनको स्वार्थ नहीं होता शूटिंग के दौरान। शिव को स्वार्थ नहीं, शूटिंग के दौरान बाबा बोले थे शिव को किसी तल में जिसमें प्रवेश करती है उसके द्वारा जो पार्ट बजाते हैं उस पार्ट से ये साबित होता है कि उसको स्वार्थ नहीं है, रथ का मोह नहीं है, औरों को अपने रथ के सुख दुख का मोह जरूर रहता है। जैसे जो स्वार्थी ब्राह्मण होते हैं वो पहले ये सोचेंगे अरे इस ज्ञान में चलेंगे तो मुरली कैसे मिलेगी, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, सारा ज्ञान सुनने के बाद फिर वो देह के मोह में उस ईश्वरीय ज्ञान को अपना नहीं पाते। अभी इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर सारे एडवांस नॉलेज को समझ रहे हैं, लेकिन समझने के बावजूद भी रिजल्ट क्या है, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि देह का रथ है, जो अपना अपना रथ है उस रथ के लिए चिंतित हो जाते हैं। अरे इतनी बड़ी संस्था इसको छोड़ करके अमीर कैसे आ जावे, ये सब खलास हो जाएगी। हम लोग के दादा दादी मुरली देने के लिए बंद कर देंगे। बाबा एक मुरली में बोला गया है सबसे जाती राजाई करते हैं मुस्लिम धर्म, और जितना व्यभिचारी हिंदू धर्म होता है उतना और कोई धर्म नहीं है। मुस्लिम धर्म में व्यभिचार तो मतलब अनेक पत्नियां रखने के कारण व्यभिचार नहीं होते, लेकिन व्यभिचार होता है, अनेक पत्नियां रखते हैं तो व्यभिचार होगा ना, लेकिन वो तो उनके धर्म में तो नूद है, दो चार शादियां करो, चार चार शादियां भी कर लेते हैं, लेकिन हिंदुओं ने तो सारी लिमिट उपा के रख दी। हिंदू राजाओं ने तो सैकड़ों रानियां रखी, तो ज्यादा पति तो व्यभिचारी कौन हुए, भारतवासी ज्यादा पति तो व्यभिचारी हो गए, इसलिए उन्होंने अपने देश का नाम रखा पाकिस्तान, कैसा स्थान पाकिस्तान, और हिंदुस्तान को क्या हो, क्या क्या समझते हैं ना पाकिस्तान, यहाँ चोरी छिपे बहुत व्यभिचार चलता है, वहाँ बहुत नियम कड़े हैं मुसलमानों में, कोई किसी की पत्नी के ऊपर जबरदस्ती वो नजर नहीं डाल सकता, गोता ही पहना के रखते हैं, डालोगे तो कहाँ से डालोगे, घर में ही बंद करके रखते हैं, पूरा कंट्रोल रखते हैं। यहाँ क्रिश्चियन की सभ्यता को अपना लिया, सबसे जाति जो है मुस्लिम धर्म की राजाई स्थापित करते हैं, वो मुस्लिम धर्म की राजाई इसलिए चलती है कि उनमें बुद्धि की एकाग्रता का उन्होंने रास्ता अपनाया हुआ है। मुसलमान दुनिया की किसी भी देश में रहेंगे उनकी बुद्धि की एकाग्रता काबा में रहेगी, क्या मक्का मदीना में उनकी बुद्धि रखी रहती है, सारी जिंदगी ये सोचते हैं कि हम एक बार हज करने जरूर जाएंगे जिंदगी, तो बुद्धि की एकाग्रता हो गई ना, सारे मुसलमानों की बुद्धि हो वहां रखा रहता है तो संगठित रूप हो गया ना, संगठित रूप होने के कारण वो ना सबसे जाती रह जाएंगे। यहाँ ऐसे ही शूटिंग होती है, अभी जो भी उनको फॉलो करने वाले हैं उनकी बुद्धि वही माउंट आबू में रह जाती, और कहीं भी रहे एडवांस में कैसे लगेगा, एडवांस क्या लगेगा, कैसे शूटिंग होगा, कैसे शूटिंग जो यहाँ भी ऐसे ही होगी, जो इस्लाम धर्म के बीज रूप होंगे, जो बीज रूप की स्टेज वाले होंगे उनकी बुद्धि वही रखी रहेगी,
अंत में जब रिजल्ट निकलता है तब कहते हैं का बा ये क्या हुआ। हम तो जिसको झूठ समझते थे वही सच्चा निकल पड़ा। जैसे कहते हैं बाबा ना क्या बोलता बाबा तो इधर उधर भागते रहते हैं। उनसे कहो तुम्हारे भगवान कृष्ण भगवान कितना भागे थे कल के डर से सारी दुनिया में, और तुम्हारे तुम्हारे शंकर भगवान भगवान सुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे फिरते रहे जो क्यों बेचते रहे, और तुम्हारा राम भगवान उसे जंगल में मारे वाले क्यों फिरते रहे रावण के डर से। उन्हें बताओ हमारे भगवान युक्तिवाद थे, कोई खून खराबा नहीं किया, वो तो ऐसे ही शास्त्रों में दिखा दिया है कि तीर तलवार चलाए, और तीर तलवार चलाए भी नहीं और चलाने भी नहीं दिए अपने फॉलोअर्स को, और विश्व की बात तो ले ली, तो खून खराबा ना हो और काम पूरा संपन्न हो जाए वो ज्यादा अच्छा, ये दुनिया में खून खराबा हो वो ज्यादा अच्छा, खून खराबा ना हो है। बाबा यूपी को बोला गया है युद्ध का खेल दिखाएंगे, यूपी को बोला गया है का खेल से यूपी दिखाई नहीं रहा है, नहीं दिखा रहा दिखा रहे अच्छा, वो 98 से इतने हमले कर रहे हैं इतनी कोशिशें कर रहे हैं तो युद्ध नहीं दिखाई पड़ रहा है, दिखा रहा है अभी सूक्ष्म रूप है, आगे चल के बड़ा रूप भी दिखाई पड़ेगा। गंगा निकले की तो और बड़ा रूप दिखाई पड़ेगा, तो खाली यूपी वाले दूसरे नहीं यूपी वाले ही धर्म युद्ध का खेल यूपी वालों को दिखाना है। बाबा एक यूपी को दिखाया गया है देवताओं का जन्मभूमि, लेकिन बिहार को एक भगवान की जन्मभूमि, और बिहार में ऐसा क्या हो गया जो कि क्यों धन पिता के जन्म यहाँ बैजनाथ नहीं दिखाए क्या, बैजनाथ यहाँ नहीं यादगार है, यहाँ भी तो बैजनाथ यादगार है, मुंह लटका की क्या बात झारखंड में पड़ गया तो अब तो वो तो झारखंड तो बाद में बना था, बना इधर में पहले कौन सा युग था वो बिहार है, बिहार तो उड़ीसा तक था। बैद्यनाथ का क्या हो गया, बैद्यनाथ चलाई देता है ज्ञान की बढ़िया बढ़िया ज्ञान के टोटके सिखाते हैं, ज्ञान की पुड़िया है तो बड़ी सी बड़ी माया का रूप आ जाए वो ज्ञान की पुड़िया खा लो। शिव बाबा गुरु है पिता है लेकिन पति क्यों नहीं, पिता गुरु नहीं है पिता माता है, शिव बाबा मैंने पति है ना गुरु है पिता भी है लेकिन पति नहीं हो सकते, शिव बाबा पति नहीं होता कोई भाई ऐसा प्रश्न, शिव ज्योति बिंदु जो है वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं होता, पति नहीं कोई भी संबंध नहीं होता, वो सिर्फ बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, लेकिन जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो पति भी है भाई भी है टीचर भी है गुरु भी है सब कुछ है, माता भी है पिता भी है, जब शरीर में प्रवेश करता है तो सब संबंध बनते हैं, जब तक शरीर में प्रवेश नहीं करता तब तक सिर्फ एक ही संबंध हो, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और हम उनके बच्चे बच्चियां भी नहीं, इसलिए तो बाबा मुरली में बोला गया है कोई भी संबंध रखना रह जाएगी तो वहाँ साहब से रहेंगे जन्म निर्मांतर, ऐसा बोला गया नहीं गया ठीक से बाबा, बोला गया है कि बाप तीन संबंध लेकर आता है, बाप टीचर चार संबंध लेकर के आते हैं, लेकिन जैसे कि बाप के संबंध में टीचर के संबंध में गुरु के संबंध में पत्नी के संबंध में अलग अलग गुण दिए हुए हैं, उसमें आगे के संबंध में वफादार
टीचर के संबंध में ईमानदारी, गुरु के संबंध में आज्ञाकारी, बाप के संबंध में फरमान बता बच्चा। उसमें ऐसा भी बोला गया होगा कि हाँ। कि बाप जो वाणी बताई गई तीन ही रूप में आते हैं और पति का संबंध नहीं होता, एक इसमें बताया गया और इस बात में तुम्हें कट करनी चाहिए, यह बात पर तुम बच्चों को कट करनी चाहिए। क्या कट करना चाहिए? रात्रि क्लास में कहीं बाबा के द्वारा चला था, क्या कट करना चाहिए? पति का संबंध है, ये कौन से सन की वाणी है और कितने लिखी है, ऐसा तो नहीं उसमें कन्वर्शन कर दिया हो क्योंकि ढेर सारी वाणियों में तो सर्व संबंध की बात आई है, हमने तो वाणियों में भी सर्व संबंध की बात आई है और एक वाणी में कहीं उन्होंने उल्टा लिख दिया तो फिर ऐसा ना हो कहीं उन्होंने उल्टा कर दिया हो। सब जगह तो सर्व संबंध की बात है, रात्रि क्लास के विषय में बताया गया कि रात्रि क्लास में ऐसा बाबा बोला, रात्रि क्लास को ढूंढ के रखो फिर उसको अच्छी तरह से उसकी खोजबीन करो। बाबा तो यहाँ तक बोल दे कि आशिक और मासिक की मासिक फिर हाथी को मासिक की मासिक याद करो, हाथी के हैं बहुत और मासिक है एक। सप्तम त्रेता में इच्छा माता मा विद्या है, फिर इच्छा मात्र विद्या सत्य को त्रेता में नहीं है, यहाँ संगम युग में तुम इच्छा मात्र विद्या बनते हो, जो पाना था तो पा लिया और कुछ पानो ना है, वहाँ तो इच्छा रहती है, इच्छा अगर नहीं हो तो बच्चा कैसे पैदा हो जाता है राधा कृष्ण जैसा, राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना मुख्य प्यार से, दृष्टि का इतने होता है या नहीं होता है, तो फिर इच्छा हुई ना, फिर वहाँ किसी को कर्म करने की जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत नहीं है, कर्म नहीं करते लेकिन राम को जो प्रेरणा में राम को देना पड़ता है आत्मनारायण को, आत्मनारायण तो अपने कर्म में इतना लग जाता है जो क्या नाम है आखिरी जो नारायण है वो लोन लेता है और अब कोई साहूकार से इतना लोन लेता है राजाई चलाने के लिए तो उसकी सारी राजाई उस लोन में डूब जाती है और वो सारी राजाई उस साहूकार को देनी पड़ती है। ये सूखी यहाँ की बात है, वहाँ की बात नहीं है, यहाँ की जो शूटिंग की पीरियड की बात है, इस समय कोई राम वाली आत्मा जो है ज्ञान रत्नों का भंडार अपने पास इकट्ठा कर लेती है और उस समय जो नारायण बनने वाली आत्मा है जो आत्मा नारायण बनेगी वो हवाई जहाज में घूमती रहती है, मजे लेती रहती है, इसलिए उसकी सारी राजाई चेक हो जाती है और राम वाली आत्मा वो डिक्लेयर हो जाती है विश्व बाप का, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, राम वाली आत्मा साहूकार भी बनती है फिर राजा भी बनती है, राजा और बड़ा राजा महाराजा भी बनती है, इसलिए सत्य को रामराज कहा जाता है, त्रेता को रामराज नहीं कहा जाता, सत्य में जो राज्य स्थापन होता है उसको भी रामराज कहा जाता है, तो राम वाली आत्मा भी राज्य स्थापन। हाँ जी बाबा, आदर्श वाणी में कहा गया कि तुम बच्चों को नई दुनिया का संगठन भी छोड़ दिया है बाद में, तो इस संगठन में जाने का नंबर वाले बच्चे जो कॉलेज रूप से जाएंगे फिर स्कूल रूप से जाएंगे तो सारे ही जाते रहते हैं सुविधाओं में शांति धर्म, अभी की बात है वो तो जब से मुर्गियाँ चल रही है तब से जा रहे हैं, नंबर वार जाएंगे तभी मतलब सबके साथ है जो अभी गिफ्ट मिला है 2000 जा रहे होंगे,
नई दुनिया की सौगात दी है तो नई दुनिया की सौगात में क्या जीरो होगा? कोई होगा नहीं, वैक्यूम होगा। तो संगठन में कोई रहने वाला होगा? जाने वाले भी होगा। पुरुषार्थ जो मुर्गियों ने अभी तक बताया वो पुरुषार्थ, अभी तक मुर्गियों ने जो कुछ भी बताया वो पुरुषार्थ, वहीं जाने के लिए तो है। सुखधाम और शांति धाम में जाने के लिए तो पुरुषार्थ है, और क्या है? सुखधाम में जाना माने जीवन मुक्ति, शांति धाम में जाना माने मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ है। इंडिया में सबसे पहले बिहार के ही सात भाई ऐसे निकले थे जो झंडा फहराने के लिए ऐसे सचिवालय पर गए। कौन सा झंडा? तिरंगा झंडा लेकर के। बाहर की दुनिया की बात बता रहे हैं के लिए स्वतंत्रता संग्राम में। जी, इनका कहना है कि क्या तो हद क्या हुआ ना इधर बिहार में? हद की बात हुई, झंडा तो फहरा नहीं। जो तीन मूर्तियां हैं, जो तीन शरीर रूपी वस्त्र हैं, वो तो संसार में बुलंद हुए नहीं, वो तो झूठा झंडा हो गया। और हमारा तो सच्चा झंडा है। जो तीन कपड़े हैं वो चैतन्य कपड़े हैं ना, वो तीनों चैतन्य कपड़े संसार में उनका नाम बुलंद हो जाए वो है झंडा फहराना। जगत वाणी में कहा ये कपड़े भी झंडे से जितने चाहो उतने फहरा दो, उससे क्या होता है? तो बाबा बिहार में भी कुछ ऐसा बता दिया ना, इस टाइम जो के लिए सच्चता होनी है झंडा बुलंद होगा। बारह ज्योति भी ना, दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। बारह ज्योतिर्लिंग होगा है तो क्या ये की जिसमें सिर्फ प्रगत करते हैं है? उन्हीं का कारण है या बारह आत्माओं का कारण? बारह आत्माओं में वो एक प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उनको चलाता है, उसका कहेंगे। बारह ज्योतिर्लिंगम जो है वो शिव के है या किसी और के है? शिव के है, शिवलिंग है। इसलिए जिसका शिव नाम पड़ता है वही उनमें प्रवेश करते हैं। तो बारह आत्माएं होंगी बाबा, अलग अलग शरीरधारी। हाँ, जो 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 सूर्यवंशी बारह बड़के हैं उन्हें वो शरीरधारी नहीं होंगे? पूरे बारह का कहना है। नंबर वन बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जो हाँ ज्योतिर्लिंग है नंबर वन। नंबर वन कौन है? तो गोल गोल चक्कर दिखाया जाता है, अपने अपने टाइम पर सब अपने अपने नंबर वन है। तो गुरु नानक के आने का टाइम होता है तो गुरु नानक नंबर वन है। इब्राहिम के आने का टाइम होता है तो संसार में उनका नाम बुलंद हो जाता है, वो ही नंबर वन है। अभी संग युग में शिव बाबा नंबर वन है। वाला कहते हैं ना बाबा, हम लोग बस बत्री लगाते हैं, आयुर्वान पार्टी वाला उसी में से खींच खींच करके देगा। भक्ति मार्ग वाले भी तो बैठे हैं, हम इतने मंदिर बनाते हैं, इतनी यात्राएं करते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, ऋषि मुनियों ने इतना पुरुषार्थ कराया, अब ये ब्रह्म कुमार कुमारी आकर के सबको ब्रह्म कुमार बना के ले जाते हैं। दुनिया को कन्वर्ट करके, दुनिया को कन्वर्ट करके उन्होंने ब्रह्मा कुमार बनाया। कहते हैं कि आप लोग का है नहीं पर हम ब्रह्मा कुमार को कन्वर्ट करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात होगी? आप लोग ही पर्दा लगाइए, हम लोग जैसा
हम ज्ञान रत्न में प्रसाद नहीं लगाते तो ज्ञान रत्न में प्रसाद नहीं लगाओ। वो लोग कहते हैं बाबा की संस्था टूट जाएगी, संस्था टूट जाएगी, संस्था जमाए जाएगी। वो तो मुरली में बोला है कि तुम बच्चे लिख दो बोर्ड पर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, फिर आगे करके सब सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। मुरली में बोला हुआ है, बाबा ने बोला, तो इसमें हम क्या करेंगे? बाबा की मुरली को तुम लोग तो मानते ही नहीं। बाबा ने तो बोला ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बटा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम तो अम्मा बाप दोनों के बच्चे हैं। जो अम्मा ही अम्मा के बच्चे हैं वो अम्मा ही अम्मा चिल्लाएंगे, बाप का उन्हें पता ही नहीं है। वो कौन से बच्चे होते हैं जिनको अपने बाप का पता नहीं होता है? फिर तुम्हारे में हमारे में बहुत फर्क है। हम गृहस्थी मार्ग वाले कहते हैं कि ब्रह्मा को तुम लोग थोड़ी मानते हो, ब्रह्मा को दुनिया नहीं मानती। हम क्या मानते हैं? दुनिया में कहीं ब्रह्मा की मंदिर है? ब्रह्मा तो ब्रह्मा की मूर्तियाँ है, ब्रह्मा की पूजा कहीं होती है दुनिया में? ब्रह्मा तो बड़ी माँ है, कैसे नहीं हम लोग मानते हैं? दुनिया जो है वो ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाले को नहीं मानती है, जगदम्बा के रूप में जब वो आता है तब मानती है। तो जगदम्बा के रूप में तो तुमको भी पता नहीं है, हम बता सकते हैं तुम अगर जानना चाहो तो। फिर जगदम्बा कौन है? और वो ब्रह्मा जगदम्बा कैसे बनता है? बाबा वो लोग बोल ही ना देते हैं, एक को बोली बोल ही ना देते हैं, भगा देते हैं। भगा देते तो उनके दरवाजे में ज्यादा जाते थे और मालूम पड़ गया बाबा ने बोल दिया कि ये सन्यासी जो है ऐसे नहीं मानेंगे, इनके सारे जिज्ञा तो तोड़ लो, फिर अपने आप आकर पूछ लेते हैं। जो बाप करता है तो ही करो ना, बाप उनके दरवाजे में जाता है क्या है? लेकिन उनके सारे जिज्ञास अच्छे अच्छे तोड़ रहा, तो सारे जिज्ञास आप भी तोड़ लो, मक्खन मक्खन सारा निकालो। दूसरे धर्म में जाना और दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना क्या अंतर होता है? एक ही बात तो है, दूसरे धर्म में जाना और कन्वर्ट होना एक ही बात तो है। जब जाएंगे क्यों? कन्वर्ट हुए होंगे तभी तो जाएंगे, कन्वर्ट नहीं हुए होंगे तो कोई क्यों जाएगा? कोई हिंदू है गिरजाघर में जा रहा है, उनके कहने का अर्थ है कि पंडा जी का तो बरसा देने के लिए जाते हैं ना, वो कन्वर्ट थोड़ा ही होता है, वो तो दूसरा जन्म लेकर के जाता है। कन्वर्ट होना उसे कहते हैं जो शरीर वैसे ही कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं कन्वर्शन। बाबा बोला गया कि संगम युग 40 साल, संगम युग 50-60 साल, संगम युग 100 साल, तो 40 साल आदि ब्रह्मा के लिए, आदि ब्रह्मा के लिए, हाँ जी प्रजापिता ब्रह्मा के लिए, प्रजापिता ब्रह्मा आदि ब्रह्मा के लिए, प्रजापिता ब्रह्मा के लिए 40 साल। सन 36 में प्रवेश किया माने प्रजापिता सन 36 में 60 साल का था, 76 में 100 साल का हो गया। इसलिए हमको कहना था कि आदि ब्रह्मा जो आवाज में वाणी जो सुने हमको लगा थे माता जी के लिए आदि ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा तो माता जी के लिए बोला गया। नहीं माता जी के लिए बोला वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, तुम्हें ज्ञान मार्ग की बात उठानी है भक्ति मार्ग की बात उठानी है? ज्ञान मार्ग तो वो जो आदि माता जिसकी बात की गई वो सुनने सुनाने वाली हुई या समझने समझाने वाली हुई? तुम किसको उठा रहे? विषय विकार का जहाँ नाम निशान न रहे, मंत्र में भी विषय विकार न आने पाए, वो है विष्णु का राज्य। ब्रह्मा जी का पास चला, शंकर का पास चला, अब विष्णु का पास ऐसा ही तो समय तो नजदीक है, है कि कौन कह रहा है दूर है? समय दूर है ये कौन कह रहा है?
हाँ ये है कि पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14-15 साल लगते हैं, दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 7-8 साल लगते हैं, 69 से लेकर 76-77 तक, और तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में थोड़ा कम टाइम लगता है, 3-4 साल लगते हैं। बाबा अभी मुझे चली है, मैंने इसका प्रयास किया तो सब कुछ इसने छोड़ दिया है। क्या उसमें राम बाप ने झगड़ा करके क्यों निकल गए? राम बाप झगड़ा करके निकल गया या तुम्हें जैसा ब्रह्मा कुमारी ने समझा दिया वैसा तुमने समझ लिया है? कैसे वो कहती है ब्रह्मा कुमारी ने सुनी सुनाई बात तुमने कैसे विश्वास कर लिया? बाबा ने जवाब दिया है मुरली में, उस समय इतना ज्ञान नहीं था इसलिए चली गई। कोई व्यक्ति आए यहाँ ज्ञान सुनने के लिए और उसकी और ज्ञान की सब बातों का उसको समाधान न मिले, बहुत से प्रश्न करें और प्रश्नों का यहाँ से समाधान न मिले तो वो चला जाएगा या बैठा रहेगा? चला जाएगा। ब्रह्म कुमारी में से ढेर सारे लोग आते हैं, जहीन लोग आते हैं, उनकी सब बातों का समाधान उनसे नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? वो चले जाते हैं ना। ये एडवांस में आने वाले सब चले गए ना, पहले ब्रह्म कुमारियों में थे, उन्हों पूरे प्रश्नों का समाधान नहीं मिला तभी तो इधर आकर बैठे हैं। सर भी टूट जाते हैं इधर के, हम से नहीं है यहाँ भी टूटते, ये तो सब चलता चला आता है। यहाँ तो उधर टूट है, यहाँ तो भी टूटते, यहाँ भी टूटते, वहाँ भी टूटते थे, यहाँ भी टूटते। ये कोई अहंकार न करे कि माया हमको पर नहीं मार सकती। जब तक जीना है तब तक जीना है, जब तक देवान में जीना है तब तक जीना है। बाबा मुरली में बोला गया है वो दिल्ली पर तब भी न जा रहा, बाप की भी न जा रहा। क्यों? दिल्ली जो है दिलवाली की नहीं है, दिल्ली दिलवाला बाप की नहीं है, है तो वो नजर नहीं रखेगा, सबकी नजर है वो गलत है, क्योंकि दिल्ली तो सबकी अम्मा है, अम्मा की ऊपर नजर रखना ये तो बहुत खराब बात है। पृथ्वीराज चौहान का राज्य हुआ वो तो ठीक बात है, वो तो पृथ्वी का राजा है, और दूसरे अगर नजर डालते हैं अम्मा के ऊपर यही तो गलत बात हो गई, जुलुम हो गया है। कृष्ण की नजर अगर अपनी रचयिता अम्मा के ऊपर पड़े, गीता माता के ऊपर पड़े, ये तो जुलुम हो गया। कृष्ण बच्चा है तो गीतापति भगवान क्यों बन के बैठे? ऐसा ही ना हो जाएगा, बाप की प्रत्यक्षता में आगे जाएगा या क्या होगा? बाहर लाएगा ना, बाहरी मौसम आ जाएगा। अभी अभी बाहरी मौसम है बिहार में प्रकृति आग उगल रही है, बरसात नहीं हो रही है, वो तो स्थूल बात हो गई। सामने का किन्नर स्कूल बात हो गई तो सूची बात क्या? तो स्कूल बात है तो सूची बात क्या? अवस्था अवस्था बढ़िया बन जाए, जो देखे चेहरों में चमक दिखाई पड़े है हमारा झंडा ऊंचा हो गया। बाबा अभी तो जाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी को समझाने के लिए तो उल्टी ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं, मुंह लटका के आ जाते हैं। वो कुछ भी करें वो कुछ भी करें लेकिन हमारी अवस्था में कोई असर ना, हमारी अवस्था में कोई असर न पड़े, चेहरा चमचमाता हुआ बना रहे। हम अगर उनके सामने उदास हो गए उनकी बातें सुन करके, इसका मतलब हम उनके दास दासी बनते रहे हैं, हम उनकी प्रजा बनते रहे, हम क्यों प्रभावित हों? जो प्रभावित होते हैं वो प्रजा बनते हैं ना, है बनते हैं। तो अगर हम उनकी बातें सुन करके प्रभावित होकर के आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रेसठ जन्म हम उनकी प्रजा कहीं न कहीं बन करके रहे हैं।
अच्छा वो भी तो अपना ही अंग है, है? ब्रह्मा कुमारी संस्था भी तो अपना ही अंग है। वो रावण तुम्हारा अपना अंग है? सीढ़ी के चित्र में जो भक्ति मार्ग के आडंबर कर रहे हैं वो सीढ़ी का चित्र एडवांस में समझा कि नहीं समझा? जो भक्ति मार्ग के आडंबर कर रहे हैं वो तुम्हारा अपना अंग है। भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है राम से, तुम्हारा अपना अंग कौन सा है? ज्ञान है। राम बाप की औलाद है, रावण की औलाद? रावण की औलाद है तो अंग। रावण राज्य खलास करना है या अंग को संभाल के रखना है? अंग का पोषण करना है, पोषण तो नहीं करना है। रावण राज्य तो खलास होने वाला है। रावण राज्य मुर्दाबाद, ज्ञान मान जिंदाबाद। क्लास कब होंगे बाबा? इतने दिन तो हो गए तुम तक आपसे तैयार हो गए। कब होंगे इसका मतलब दिल से कष्ट हो रहे हैं, थक गए हैं, हार नहीं मान रहे हैं? अरे ड्रामा में जो लूट है कब होंगे? ड्रामाबाजी भी तो कुछ होने दो, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? कैसे पता चलेगा ये बुलंद है, ये अव्वल नंबर है, ये लास्ट नंबर है, ये मध्यम नंबर है? करने का जो समय है कब तक है? कैसे तुम बाप सुने हैं जो धारणा करने का जो समय है वो कौन सा समय बताना? तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, वहीं पर मतलब कि स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद कोई चाहेगा दिव्य गुणों का धारण करने का? जब लड़ाई शुरू हो जाएगी दिव्य गुण धारण कर पाओगे? जब मारा मारी खून खराबा चारों तरफ होना शुरू हो जाएगा तो दिव्य गुण धारण करने का टाइम मिलेगा? आज दिन का टाइम बताया बताते रहते हैं 6 महीने, फिर बढ़ा देते हैं 1 साल, फिर बढ़ा देते हैं और 2 साल। 3 महीने दिए थे, 6 महीने कर दिए।